प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में आयोजित जल प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में वर्चुअली सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्ण काम कर रहा है और अभूतपूर्ण निवेश भी कर रहा है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में पानी बचाने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की खपत अधिक है उसे कम करने और संतुलन बैठाने के विषय पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमें विजनरी नेतृत्व मिला है। वे भविष्य की आवश्यकताओं पर काम करते हैं। हमें पता ही नहीं था कि देश में कितनी जल संरचनाएं हैं। मध्य प्रदेश में 2003 तक सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर थी, अब 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। 65 लाख हेक्टेयर में क्षमता विकसित कर रहे हैं। जहाँ नहर नहीं बन रही है वहाँ पाइप से पानी पहुँचाने पर काम कर रहे हैं। हमने जलाभिषेक अभियान चलाया है, नई संरचना बना रहे हैं, जन जन को जल संरक्षण के काम से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जल संरक्षण का काम आम जन को जोड़े बिना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में 2003 के आसपास तक कुल सिंचाई की हमारी क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टेयर। अब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य, तो मैंने पानी बचाने के लिए नहीं गजेंद्र सिंह जी, हमने ये सोच के कि बिना सिंचाई के काम चल नहीं सकता, मतलब बाकी चीजें बाद में करो, सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी पुराने जमाने में, राजा नवाब अंग्रेज सबके मिला के, वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं 45 लाख हेक्टेयर, और अभी जो हमारा काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर के लिए चल रहा है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के काम हमारे जल संरचनाएं बनाने के चल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से जुड़कर पीएम मोदी ने भी जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे इकोसिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित ना हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा।